सत श्री अकाल जी। कैनेडा के लोग भी वैक्सीन पासपोर्ट के समर्थन में हैं, जिस दे बारे अगे तो इस वीडियो के दसांगे। तो इस समय कोरोना वायरस महामारी के कारण जिथे कई देशों के वलों ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई ने, उत्थे कुछ देशों के वलों ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन के कुछ छूट भी दी जा रही है। इस वैक्सीन पासपोर्ट की अहम भूमिका देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल ट्रैवल के मुड़ शुरू होने की चर्चा के नाल नाल वैक्सीन पासपोर्ट की भी काफ़ी चर्चा हो रही है। दरअसल वैक्सीन पासपोर्ट के नाल यात्री ये साबित कर सकते हैं कि उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन लगवाई हुई है। कैनेडा के वैक्सीन पासपोर्ट के काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वैक्सीन पासपोर्ट को शुरू किया जाए, जिस दे नाल वो ट्रैवल कर सकन। हुण तुहाडे मन दे विच ये सवाल उठ रहा होगा कि असी ये किवें कह रहे हैं कि कैनेडियनज भी चाहते हैं कि वैक्सीन पासपोर्ट के समर्थन में हैं या वैक्सीन पासपोर्ट शुरू की जाए। तो इतने तुहानू दस दिए कि 26 मई लैजर 306 के वलों कोविड-19 वैक्सीनेशन के प्रूफ के संबंधी एक सर्वे जारी किया गया है। इस सर्वे दे विच ये जानकारी सामने आई है कि ट्रैवल अते इन परसन यूनिवर्सिटीज क्लासेस दे लई वैक्सीन प्रूफ दी सपोर्ट अमरीकी लोगों के मुकाबले कैनेडियन लोग ज़्यादा कर रहे हैं। हवाई जहाज रही यात्रा करने के संबंध में 82% कैनेडियनज यात्रा लई कोविड-19 टीकाकरण के सबूत की जरूरत का समर्थन करनगे। तुसी सर्वे के बारे जानकारी स्क्रीन के उपर देख सकते हो, जिस दे विच अलग अलग चीज़ों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन के सबूत दिखाने बारे पूछा गया है। कि तुहानू भी लगता है कि कैनेडियन सरकार के वलों वैक्सीन पासपोर्ट को जल्द शुरू किया जाना चाहिए है? कृपा करके अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दसो। फिर रिपोर्ट खबर पंजाबी।